पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद के गिरजाघरों में गुड फ्राइडे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिस का भी ख्याल रखा गया। चर्च में ऑनलाइन प्रार्थना कराई गई, जिसके चलते घरों में लोगों ने बैठकर इस प्रार्थना को सुना और गुड फ्राइडे को मनाने के लिए काम किया। सभी लोगों का ये कहना है कि इस देश में कोरोना जैसी बीमारी का खात्मा हो और हम लॉकडाउन का पालन करें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद के गिरजाघरों में आज ऑनलाइन प्रार्थना कराई गई। ईसाई समुदाय में गुड फ्राइडे का अपना अलग ही महत्व है। गुड फ्राइडे के अवसर पर चर्च में प्रार्थना सभाएं आयोजित होती हैं और सभी लोग देश और प्रदेश और शहर के लिए उन्नति की प्रार्थना भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज गुड फ्राइडे के मौके पर लॉकडाउन का पालन करते हुए ईसाई धर्म के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और पीली कोठी चर्च में सन्नाटा पसरा रहा। चर्च से फादर ने ऑनलाइन प्रार्थना की और प्रभु यीशु से कोरोना महामारी को खत्म करने की दुआ की। जिसके हाथों में कील ठुकी हुई हो, कांटों का ताज सर पे हो, 39 कोड़े शरीर पे हो, पैरों पर कील ठुकी हुई हो और उसके साथ साथ इतना बेइज्जत किया जा रहा हो, उस पे थूका जा रहा हो, उसके बाल नोचे जा रहे हो और उसके बाद भी वो कहे कि ये पिता इनको क्षमा कर दे। इस डाकू ने इस बात को जान लिया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है और तब उसका ध्यान जब उसने यीशु मसीह ने क्षमा किया, क्षमा की प्रार्थना करी, इस शब्द ने इस डाकू के ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगा दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा और देखकर वो कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना। ये क्षमा की सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं, हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के लिए लान तान बकने लगते हैं, लेकिन अगर हम किसी को क्षमा करते हैं उस व्यक्ति का जीवन भी बदलता है। इस दौरान सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अपने घरों में बैठकर प्रार्थना सभा में ऑनलाइन शिरकत की। गुड फ्राइडे है हम लोग क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है उनको आज छुट्टी दी गई थी। आमतौर पे जब सब ठीक होता है तो 12 बजे से 3 बजे तक हम लोग के चर्च फिलिप मेमोरियल चर्च की सर्विस होती है, बट दुर्भाग्यवश इस साल क्योंकि कोरोना वायरस वगैरह और जो हमारे सरकार के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, बट फिर भी थैंक यू टू आर पास्टर्स, थैंक यू टू आर चर्च की उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया कि ऑनलाइन सर्विस हम लोग की चल रही है, तो ऑनलाइन चर्च से प्रसार हो रहा है और हम लोग वाया फेसबुक लाइव उसमें शिरकत ले पा रहे हैं। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं और गुड फ्राइडे के ईसाइयों का बड़ा धार्मिक पर्व है, लेकिन ईसाई धर्म के मानने वालों का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन का पालन करते हुए गिरजाघर से ऑनलाइन ही प्रार्थना सभा का आयोजन किया, इससे कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। लॉकडाउन के चलते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मतलब समझते हुए हम लोग अपने लोगों को बोले हैं कि वो घर में रहें और मात्र 3 लोग हम लोग इधर हैं जो कि सर्विस को ले रहे हैं और हम लोग ऑनलाइन ही सर्विस को कर रहे हैं और पूरे वीक में भी हमने ऑनलाइन सर्विस किया। आज गुड फ्राइडे पर भी हम लोग चर्च से संबोधित कर रहे हैं अपनी कलीसिया को, हमने बोला है कि आप लोग घर पे रहकर आप देश के लिए साथ दें और हमारे लिए हमारा पहले देश है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं, तो ईश्वर की दया से हम लोग अपने धर्म के कामों को भी पूरा कर पा रहे हैं और सारी चीज़ें हो पा रही हैं। तो लोग घर बैठे जो है आपकी प्रार्थना, हाँ जो घर बैठे वो लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, वो लोग फेसबुक के मार्फत कोई लैपटॉप में लगाया हुआ है, कोई टीवी में लगाया हुआ है, तो वो लोग अपने घरों में रहकर उस सर्विस को पूरा अटेंड कर रहे हैं, ना सिर्फ मुरादाबाद वरन ऑल ओवर इंडिया लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। आज गुड फ्राइडे के दिन क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? आज के दिन यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन दिया गया था, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और क्रूस पर से उन्होंने 7 वचनों को दिया था, उन 7 वचनों को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि कैसे कैसे यीशु मसीह के साथ वो पल घटे, क्या क्या उनके जीवन में हुआ, वो सब बातों को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं।